एनडीए की क्या पहचान बेरोजगार हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, पिछले दो महीनों में दो घटनाओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के बारे में खोखले दावों की पोल खुल के रख दी है। तकरीबन डेढ़ महीना पहले गुजरात के भरूच के झागड़िया इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी ने अपने नए प्लांट के लिए शिफ्ट इंचार्ज, प्लांट ऑपरेटर, सुपरवाइजर सीडीएस, फिटर, मैकेनिकल और एग्जीक्यूटिव ईटीपी की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया था। कुल 40 जगहों को फिल करने की इस एडवर्टाइजमेंट के बाद कंपनी ने एक होटल में 150 उम्मीदवारों के लिए एक हॉल बुक किया था, लेकिन इन 40 पोस्ट के लिए 800 बेरोजगार नौजवानों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई और होटल के दरवाजे बंद करने पड़े। भीड़ इतनी हो गई कि होटल की रेलिंग तक टूट गई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। दूसरी घटना मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर घटी, जहां 16 जुलाई के रोज 2200 लोडर्स की पोस्ट के वॉक इन इंटरव्यूज के लिए 25,000 युवा वहां जमा हो गए। ओवरक्राउडिंग की वजह से स्टैम्पेड की सूरत हाल पैदा हो गई। जॉब सेंटर तक पहले पहुंचने की होड़ में युवा लोग पेड़ों और कारों पर चढ़कर वहां पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। आपको बता दें कि 3 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाला यह वॉक इन इंटरव्यू एयर इंडिया की जानिब से लोडर की पोस्ट के लिए था, जिनका काम लोडिंग, अनलोडिंग, बैगेज रैपिंग, बैगेज बेल्ट को हैंडल करना और बैगेज कार्ड चलाना होता है, जिसके लिए हर महीने 25,000 रुपए सैलरी मिलती है और ओवर टाइम मिलाकर ये अमाउंट 30,000 तक हो जाता है। इतनी बड़ी भीड़ के कारण ऑन द स्पॉट इंटरव्यू नहीं हो पाया और एयर इंडिया के ऑफिशियल्स ने उम्मीदवारों से उनके एप्लीकेशन लेकर ये कहा कि उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। इम्पोर्ट्स के लिए एजुकेशन की कोई केयर नहीं थी। उम्मीदवार का सिर्फ फिजिकल फिट और हेल्दी होना जरूरी था, लेकिन वीडियोस में गौर से देखने पर पता चलता है कि शायद लोडर की पोस्ट के लिए बेरोजगार ग्रेजुएट भी पहुंचे थे। इन दोनों इंसिडेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उन दावों की पोल खोल दी, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने 8 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, जबकि एक तरफ 40 जगह के लिए 800 और 2200 लोडर की पोस्ट के लिए 25,000 की भीड़ जमा हो जाए। ये एक गंभीर विषय है, जिसके लिए हर पार्टी के बड़े नेताओं को सोचना होगा, वरना बेरोजगारी हमारे प्यारे देश भारत को ले डूबेगी। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक परिदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।